हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे से होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम नज़दीक है तो आपका रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। आज जो वीडियो आप देखने वाले हो वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का वन शॉट वीडियो है 2022 में, जो आपके एग्जाम में जो भी सिलेबस आपको मिल रहा है उसके रिलेटेड ये पूरा वो एक ही वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। मेनली रिविजन करवाया है और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं। होप आप ये वीडियो अच्छे से देख के आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और फ्रूटफुल हो, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको इस वीडियो से सारा का मोस्टली आउटपुट आप निकाल सको। तो हमें सीखना क्या क्या है इसमें, हमें इसमें सीखना है प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन, रेंज और उसी के रिलेटेड इर्द-गिर्द क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था आईसीएसई में ये टॉपिक में से मतलब चैप्टर 1 और 2 मिला के 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और सीबीएसई में ये चैप्टर 1 और 2 मिला के 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली जो देखा गया प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से इस चैप्टर में से मैक्स टू मैक्स एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 1 मार्क के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से। तो चैप्टर बड़ा इजी है लेकिन पहले हम समझेंगे इसको, इसमें करना क्या है, ठीक है। 10-15 मिनट बस समझना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जाना है, क्या सीखना है। चलो अब पहला चीज हमें फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। अगर मान लो ये आपका एक एक्स है, ये वाई है और इनके बीच में अगर कोई रिलेशन है एफ या कोई फंक्शन है एफ, रिलेशन है एफ, तो इसको मैं फंक्शन कब बोलूंगा। फंक्शन बोलने के लिए हमारे पास अगर सीधा सीधी बात किया जाए, अगर यहाँ पे सर्टन एलिमेंट्स हैं मान लो ए बी सी डी और यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 ऐसा कुछ सीन है, तब अगर इधर के सारे एलिमेंट्स का इधर एक डिस्टिंक्ट इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो, देन हम क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन। अगर डिस्ट्रिक्ट इस तरफ में अगर बस ये रिलेशन ना हो तब हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें से एक एलिमेंट खाली है। हम इसको भी फंक्शन नहीं बोल सकते अगर इसके दो दो इमेज है, वो नहीं हो सकता, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते, समझे। इसे हम बेसिकली फंक्शन बोलते हैं। अब आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। मान लो मैं कोई भी रैंडम फंक्शन लेता हूं या रैंडम क्या साइन एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूं, तो साइन एक्स अगर ले लेता हूं तो एक्स के कौन से वैल्यू पे, मान लो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इक्वल टू जीरो मैंने ले लिया। अब एक्स के कौन से वैल्यू पे साइन एक्स हमारा जीरो होगा, ऑल नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे ये साइन एक्स का वैल्यू हमारा जीरो होगा या नहीं होगा। अब इसको जरा अगर हम इस डायग्राम के फॉर्म में बनाए, मतलब मान लो इस तरफ मैं एक्स के सारे वैल्यूज रख देता हूं, मतलब डॉट -π 0π 2π ... ये x के सारे वैल्यूज है और इधर साइन एक्स, इधर आपका क्या वैल्यू आएगा साइन एक्स का और इसका फंक्शन क्या है, एफ एक्स हमारा कितना है साइन एक्स। अब इधर वैल्यूज हमें क्या क्या मिल सकते हैं, साइन एक्स का वैल्यू हमें पता है कहां से कहां लाया करता है, -1 से 1 और उनके बीच में 0। तो साइन एफ एक्स अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, अगर जीरो होगा मान लो ये फंक्शन हमारा है, फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहां पे सारे एक्स के वैल्यू हैं और इधर आपको क्या मिलेंगे एफ एक्स के वैल्यू मिलेंगे। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं इसका सारा एलिमेंट, सारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा जीरो होगा, मतलब इधर के हर एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज है उस तरफ, मतलब साइन एक्स हमारा क्या है एक फंक्शन है, फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब साइन इनवर्स कर दूं, इनवर्स मतलब अगर मैं
यहां पे मैंने क्या लिखा था, एक्स लिखा था फिर एफ एक्स लिखा था। अगर मुझे इन्वर्स करना है, मतलब मुझे फंक्शन जो है वो क्या लेना है, साइन इन्वर्स एक्स अगर लूंगा तो मैं इस तरफ क्या रखूंगा, माइनस वन जीरो वन, और ये आपका हो जाएगा क्या एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स इस तरफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाना चाहिए, माइनस टू पाए माइनस पाए जीरो पाए टू पाए डॉट डॉट डॉट, ये हो जाना चाहिए। इनवर्स के कंडीशन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जहां पे ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है, मैं जो रेंज था वो डोमेन बन गया और जो डोमेन था वो रेंज बन गया, इनवर्स के केस में वही होगा ना, वही होगा। अब अगर मैं इस, ये अगर एक फंक्शन होता तो क्या हम इसको एक इस रिलेशन को एक फंक्शन बता सकते हैं, साइन इनवर्स जीरो का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू पाई, साइन इनवर्स जीरो का वैल्यू माइनस पाई भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, टू पाई भी हो सकता है, तो क्या ये एक फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। फंक्शन का डेफिनेशन यहां पे क्या बताया, अगर एक एलिमेंट का दो इमेज होते हैं, अगर एक एलिमेंट का दो इमेज इस तरफ होते हैं तो वो एक फंक्शन नहीं कहलाता। फंक्शन कब कहलाता है, जब देखो जब एक ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो, इसका डिस्टिंक्ट इमेज है, इसका भी डिस्टिंक्ट इमेज है, लेकिन अगर एक एलिमेंट का दो दो इमेज हो, ये दो दो इमेज हो गए ना, तो अगर दो दो इमेज हो तब हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। तो क्या इसका ये फंक्शन है, फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये फंक्शन है, पर कुछ पूछ रहा हूं, हाँ या ना तो बोलो, अभी बता रहा हूं कुछ फंक्शन का डेफिनेशन, अगर मैं यहां पर कुछ बोल रहा हूं, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो हाँ या ना तो बोल सकते हो, ये फंक्शन है ये फंक्शन नहीं है। तो लेकिन हमें तो एक चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हमें फंक्शन पढ़ना है, तो मैथमेटिशियन यहां पे क्या किए, यहां पे इसको फंक्शन बनाने की कोशिश की। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत फालतू सा एग्जांपल है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अनुष्का को पढ़ने का मन नहीं है, उसको बाहर घूमने का मन है या फिर दोस्तों के साथ बात करने का मन है, घर में भी अगर बैठे रहते हैं, घूमने का भी अगर मन नहीं है, मान लो उसको बाहर घूमने फिरने का मन है, या फिर चल घर में अगर बैठी रहती है तो फोन स्क्रॉल करती रहती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती है, कुछ पढ़ती नहीं, तो लेकिन उसके पापा को या दादाजी को यह पता है कि अगर वो पढ़ लेगी तो उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, जो कि अनुष्का को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ नहीं आ रहा, तो उसके पापा क्या करेंगे, तो उसके पापा उसका फोन छीन लेंगे या फिर उस पे उसको डांट पड़ेगी, या फिर बाहर से तीन चार इंडिविजुअल ट्यूशन लगा देंगे घर पे, जो उसके पास हमेशा बैठे और पढ़ाने पे मजबूर करते। मतलब अनुष्का को पढ़ाने के लिए उसके पापा ने या फिर उसके फैमिली ने क्या किया, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिए ताकि वो पढ़ ले और उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाए, है ना। वैसे ही साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिए टू मेक दिस वन ए फंक्शन। तो क्यों डाला भाई, क्यों डाला, अगर तो नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, जबरदस्ती काहे करना, काहे हमारा दिमाग खराब करना। इसलिए डाला गया क्योंकि अगर हम ये वाला इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को फंक्शन बना देते हैं तभी तब हमें कैलकुलस वाला जो पार्ट है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कैलकुलस वाला पार्ट है, उधर हमें बहुत आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो उस वाले को आसान करने के लिए इस वाले को फंक्शन बनाना पड़ा। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए इसमें क्या डाला गया, कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले गए, और उसमें रेस्ट्रिक्शन डाला गया ताकि ये क्या बन जाए, एक फंक्शन बन जाए। तो रेस्ट्रिक्शन इसमें क्या डाला गया, जो एक्स का वैल्यू होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वो हमेशा लाया करेगा माइनस वन से लेके वन तक,
ठीक है, और जो एफएक्स का वैल्यू है, जो एफएक्स का वैल्यू या फिर जो रेंज है उसका उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन डाला गया माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक। अब अगर मैं ये रिस्ट्रिक्शन का इमेज यहां पे बनाता हूं, अलग इमेज बना देता हूं, मान लो माइनस माइनस वन से वन, मान लो जीरो एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि आसानी होगा, जो कि माइनस वन के वन के बीच में है, और अगर जो यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन डाला गया क्या माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, मान लो यहां पे हो गया माइनस पाई बाय टू और यहां पे हो गया पाई बाय टू और उसके बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। अब अगर मैं साइन इनवर्स यहां पर फंक्शन लगाता हूं, एफएक्स लगाता हूं आपका साइन इनवर्स एक्स लगाता हूं, अगर साइन इनवर्स एक्स का मैं जीरो निकालू तो जीरो का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। और क्या होता है, और क्या होता है साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू और कहां पे क्या होगा, माइनस पाई हो सकता है, पाई हो सकता है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में माइनस पाई और पाई, माइनस पाई और पाई लाइक रहेगा, क्योंकि माइनस 90 to 90 है, पाई का मतलब होता है 180 जो कि माइनस पाई बाय टू से बड़ा है और पाई बाय टू से भी बड़ा है ना, माइनस पाई इससे बड़ा है और पाई बाय टू इससे बड़ा है। अब इसके बीच में साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जीरो कब होगा, जब सिर्फ एक्स का वैल्यू या सॉरी एक्स का वैल्यू सिर्फ जीरो होगा, उसका सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा इस रेंज में, उसके मल्टीपल इमेज और फॉर्म नहीं हो रहे थे। तो रिस्ट्रिक्शन लगा देने के बाद मल्टीपल इमेज जो यहां पे फॉर्म हो रहा था यहां पे और मल्टीपल इमेज फॉर्म नहीं हुआ, समझे, मल्टीपल इमेज फॉर्म नहीं हुआ। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम साइन इनवर्स एक्स को एक क्या बोल सकते हैं, एक फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, और ये ट्रिगोनोमेट्री भी है और उसके साथ इनवर्स भी लगा हुआ है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन गया, समझ रहे हो या नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया ताकि दिमाग में रहे कि हो क्या है, फॉर्मूला बता दूंगा करवा दूंगा वो तो करने से कोई फायदा नहीं है, हमें समझना है कि करना क्या है, समझ में आया। तो जैसे यहां पे हमें पता चला कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो उसका जो डोमेन है वो माइनस वन से वन है और जो रेंज है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, वैसे ही हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन और रेंज होता है उस वो मैंने जब रेगुलर क्लासेस करवाया था वहां पर लिखवाया था, मैं फिर भी अभी लिख देता हूं, मुझे पता ही याद नहीं होगा तो उसको लिख लू। तो ये आपके कुछ सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंज है। अब ये जो टेबल है ये दिमाग में पूरा छप जाना चाहिए, पूरा दिमाग में ये छप जाना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, अगर ये दिमाग में नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये दिमाग में होना चाहिए, और छोटे क्लासेस में मतलब 11th क्लास में जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अगर वो दिमाग में नहीं है तो क्वेश्चंस होगा नहीं, ठीक है। पहले ये टेबल लिख लो, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ना जो सिलेबस में है आपका 2021 में खत्म होता है, इतना ही समझना है, ग्राफ्स नहीं है प्रॉपर्टीज नहीं है तो प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी नहीं है। अब इसमें हमें क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं वो करेंगे और वही मेन है। अब क्वेश्चन देखो मैं यहां पे करवा रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि इसी क्वेश्चन में से एग्जाम में आएंगे, इसी टाइप के आ सकते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। मैथ्स एक ऐसा चीज है जहां पे आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका होगा नहीं, तो आपको मैं अगर यहां पे 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो घर में जाके आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन उसमें से लगाने उस टाइप के, मम्मी पापा ने किसी को बुक खरीद के नहीं तो दिया, ऐसा तो नहीं है कि बुक नहीं दिया होगा, और अगर बुक नहीं भी दिया है मेरे पास पढ़ा है ले लो बुक, लेकिन क्वेश्चन लगाओ, नहीं लगाओगे नहीं कर पाओगे। चलो मान लो आपको क्वेश्चन ये गिवन है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री। अब इस टाइप ऑफ ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, हमें एक छोटा सा, अब देखो यहां पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा लेकिन इसको हम प्रॉपर्टी बोलते नहीं, ये एक जनरल नॉलेज होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम बोलोगे सर ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो कोर्स में नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे डाल दिया, डाल सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी में नहीं काउंट होता, ये काउंट होता है आपका एक जनरल नॉलेज के ऊपर। क्या कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होंगे, कब कैंसिल होंगे, कॉस इनवर्स और कॉस कब कैंसिल होंगे, मेरा क्वेश्चन ये, अगर ये दोनों कैंसिल कब हो सकते हैं, कॉस में डिवाइड, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल कब होंगे, ये कॉस और कॉस कब कैंसिल होंगे, जब x का वैल्यू, जो ये प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन ये जानना जरूरी है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉसेक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब x का वैल्यू जीरो से लेके पाई बाय पाई के बीच में हो, ये उसका रेंज था, अभी टेबल लिखाया, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों कॉस कैंसिल कब होंगे, जब ये x का वैल्यू, x जो है यहां पे एंगल जो है वो जीरो से पाई के बीच में लाया करता हो। अब लेकिन क्वेश्चन में अगर देखें 680 डिग्री जीरो से पाई के बीच में लाया करता है, नहीं लाया करता, 680 जीरो से पाई से बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, इस एंगल को 680 डिग्री को मुझे लाना होगा इनके बीच में, कैसे लाएंगे, हमें बचपन से 11th क्लास में या छोटे क्लासेस में से हमें पता है cos n pi माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, cos n pi माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा, cos 2 pi माइनस थीटा, cos थीटा होता था फॉर्मूला होता है। तो मैं अगर इस 680 को इस फॉर्म में ले आऊं, 680 को n pi माइनस थीटा के फॉर्म में ले आऊं, तो n pi इस फॉर्मूले को यूज करके मैं cos थीटा लिख सकता हूं, तो 680 को मैं क्या लिख सकता हूं, 680 इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, तो 680 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 180 माइनस 40 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, तो cos 680 मेरा क्या हो जाएगा, cos n n की जगह पे 4, 180 का मतलब पाई होता है, माइनस 40 ये लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 40 होगा या नहीं होगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 40 ये बन जाएगा, कैसे, कॉस 680 की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, कॉस 40। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 40 किस का मैंने ये रूल बताया, अगर x का वैल्यू जीरो से पाई के बीच में लाया करता है तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है, x, तो cos इनवर्स cos 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। देयरफॉर हमारा आंसर क्या है, cos इनवर्स ऑफ cos 680 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये बेसिक फॉर्मूले अगर दिमाग में नहीं है तो नहीं कर पाओगे, एक तो डोमेन और रेंज होना चाहिए, दूसरा ये बेसिक फॉर्मूले, ये मैं बार बार जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में बार बार बोला था, ये फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन, दो लाइन का क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू ये पूछा है। इसके लिए साइन, अब अगर मैं आइदर इस टैन को साइन में कन्वर्ट कर दूं या फिर अंदर जो साइन है उसको टैन में कन्वर्ट कर दूं तो टैन इनवर्स और टैन गेट्स कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर मैं अंदर वाले को टैन इनवर्स बाहर है अंदर अगर टैन ले आऊं तो ये दोनों गेट कैंसिल हो जाएंगे, मेरा मोटिव नहीं होना चाहिए। अब लेकिन अंदर हमारा क्या है, साइन है ना, तो उसको टैन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब हमें पता है साइन माइनस पाई बाई टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो सॉल्यूशन में अगर आए तो टैन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन पाई बाई टू लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। और साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टैन इनवर्स ऑफ माइनस वन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब टैन टैन का कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा वैल्यू पे माइनस वन आता है, टैन 45 मतलब टैन अगर मैं यहां पे माइनस पाई बाय फोर कर दूं दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन होगा या नहीं होगा, सिंस हमें ये पता है होगा या नहीं होगा, है ना। तो मैं अगर इस माइनस वन के जगह पे मैं ये वाला वैल्यू डाल दूं तो दैट विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं और डायरेक्ट टैन माइनस पाई बाय फोर, कुछ प्रॉब्लम है, टैन में कन्वर्ट हो गया, हो गया या नहीं हो गया। अब हमें क्या पता है टैन का डोमेन क्या, ये कब होगा, टैन का रेंज क्या है, टैन का रेंज ये कब पॉसिबल होगा, टैन इनवर्स टैन एक्स ये कब पॉसिबल होगा, ये एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर हो, पाई बाय फोर या पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू हो तभी ये पॉसिबल है ना। तो क्या माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में लाइक करता है तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू है ऑफ दिस इक्वेशन, समझ में आया पक्का। बिल्कुल, ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे पहले प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं और वन मार्कर क्वेश्चन है, ये सब एक एक मार्कर क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना सर एक मार्कर में इतने लिखी हुई लॉ लिख लो अंडा लिख लो, ये जान लो। चलो अब आते हैं सॉल्यूशन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स टू साइन टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, ये क्वेश्चन ये बोले मतलब, चलो क्वेश्चन को लिखते हैं, टैन इनवर्स टू साइन टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू ये बोले। अब हमें क्या करना है, पहला चीज यहां पे कॉस इनवर्स है, मुझे कॉस इनवर्स को हटाना है, कॉस इनवर्स को हटाने के लिए मुझे क्या लाना होगा, उसके साथ एक कॉस लाना होगा। अगर कॉस ले आया तो कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा या नहीं हट जाएगा। चलो तो कॉस यहां पे कॉस लाने के लिए हमें क्या पता है, कॉस के कौन से वैल्यू पे रूट थ्री बाय टू होता है, हमें क्या पता है कॉस पाई बाय सिक्स इक्वल टू कितना होता है, रूट थ्री बाय टू होता है। कॉस फैक्टर का वैल्यू कहते टिब्बुल मानना की मुंडल, तो ये रूट थ्री बाय टू के जगह पे क्या मैं कॉस पाई बाय सिक्स डाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स टू साइन टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय सिक्स,
ये हो जाएगा। अब यहां से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस हटेगा, कब हटेगा, जब एक्स का वैल्यू किन के बीच में होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए, जीरो से पाई के बीच में। कॉस के लिए जीरो से पाई रेंज होता है पाई बाय सिक्स, जीरो के पाई में लाइक जीरो से पाई में, जीरो से पाई के बीच में लाइक करता है, करता है। तो मैं यहां से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस को हटा सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स टू साइन, ये क्या बन जाएगा, टू इंटू पाई बाय सिक्स। तो मैं ये लिख सकता हूं टू साइन टू इंटू टू, यहां से पहले से था कॉस इनवर्स कॉस हट गया तो बचा पाई बाय सिक्स, ये लिख सकता हूं। अब यहां से टू और सिक्स गेट्स कैंसिल तो बचा कितना, पाई बाय थ्री बचा। आप क्या कर सकते हैं, टू साइन यहां पे क्या है, अंदर पाई बाय थ्री। अब अगर मैं यहां पे साइन और यहां पे भी साइन ले आऊं तो बात बन जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी। हम अगर साइन ले भी आते हैं तो साइन, अच्छा इनवर्स नहीं सॉरी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे टैन इनवर्स है तो अगर मैं अंदर टैन ले आऊं तो टैन इनवर्स और टैन गेट्स कैंसिल। तो अंदर टैन लाने के लिए मेरे पास यहां पे वैल्यू क्या है, साइन पाई बाय थ्री, और साइन पाई बाय थ्री का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, साइन पाई बाय थ्री का रूट थ्री बाय टू। तो टैन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, टू इंटू रूट थ्री बाय टू, तो टू टू गेट्स कैंसिल तो बचा कितना, टैन इनवर्स रूट थ्री। अब क्या हमारे पास टैन में कोई ऐसा वैल्यू है जिसका वैल्यू रूट थ्री हो, टैन सिक्सटी मतलब टैन, सिंस टैन पाई बाय थ्री इज इक्वल टू कितना होता है, रूट थ्री होता है ना। तो मैं यहां पे रूट थ्री की जगह पे क्या डाल सकता हूं, तो टैन इनवर्स ऑफ टैन पाई बाय थ्री लिख सकता हूं इसको। अब टैन का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, तो क्या पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में लाइक करता है, करता है। तो देयरफॉर दिस वन विल बी इक्वल टू कितना, पाई बाय थ्री। तो इसका जो सोल्यूशन या वैल्यू हुआ वो कितना है, पाई बाय थ्री। ये भी एक वन मार्क का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, मान लो आपको पूछा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस टैन इनवर्स रूट टू, टैन इनवर्स माइनस टू। तो क्या कर सकते हैं इसको, सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या है, टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, ये गिवन है। अब रूट टैन अगर मैं यहां पे टैन ले आऊं क्योंकि टैन इनवर्स है, अगर मैं यहां पे टैन ले आऊं तो टैन इनवर्स और टैन गेट्स कैंसिल, और यहां पे सेक इनवर्स है तो यहां पे अगर मैं एक सेक ले आऊं, सेक इनवर्स और सेक गेट्स कैंसिल। अब हमें क्या पता है टैन के कौन से वैल्यू पे रूट थ्री आता है, टैन पाई बाय थ्री, तो टैन इनवर्स ऑफ टैन पाई बाय थ्री माइनस सेक के कौन से वैल्यू पे टू आता है, माइनस टू छोड़ दो टू आता है, अरे कैसा निकाल मुझे, सेक कौन से कहां कहां पर नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, ऑल साइन साइन कोस साइन कोस, यहां पे कोस कोस, हाँ तो यहां पे सेक कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेक आया, यहाँ पे ये दोनों में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में मतलब सेक नेगेटिव है। अगर इन दोनों में सेक नेगेटिव है हमें सेक टू कब होता है, जब पाई बाय थ्री हो, पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे है ना, इसको अगर इस तरफ घुमाए तो
यहां से उल्टा से 60 डिग्री अगर जाए तो उल्टा से अगर 60 डिग्री जाए तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? 120 कितना होता है? 2π/3 होता है। तो sec ये sec इनवर्स सॉरी sec माइनस 2 कब होगा? जब sec इनवर्स sec 2π/3 होगा। समझे या नहीं समझे? अब इसको अगर सॉल्व करें तो tan इनवर्स और tan, अच्छा अब इसका रेंज भी चेक करना है। tan के लिए रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, तो पाई बाय 3 उस रेंज में लाया करता है। तो ये तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस सेक का रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 0। सेक का रेंज क्या होता है मैं पूछ रहा हूं? 0 से पाए, 0 से सॉरी 0 से पाए एक्सक्लूडिंग पाए बाय 2 ये होता है। तो क्या 2π/3 इसके बीच में लाया जाता है? 120 डिग्री होता है ना 2π/3, तो इनके बीच में लाया करता है। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा 2π/3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस पाई बाय 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया कैसे करना है? पक्का लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राइट द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब इसको यहां पे माइनस है तो माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो कितना होगा? साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। वही सेम रूल इनवर्स के लिए भी अप्लाई होता है। साइन इनवर्स माइनस थीटा लिख लो। साइन इनवर्स माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये होता है। ठीक है तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं। अगर मैं इधर अंदर में साइन ले आया तो साइन और साइन इनवर्स गेट्स कैंसिल हो सकते हैं। तो साइन के कौन से वैल्यू पे 1/2 आता है? पाई बाय 6 पे। तो क्या लिख सकता हूं? साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूं। अब ये साइन इनवर्स और साइन गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या? साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 ये होगा। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा? तो बोल लो कितना एलसीएम में पूछ रहा हूं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा पूछ रहा हूं? 3π/6 को आप क्या 5/2 बोल सकते हैं? इतना टाइम अगर तुम इसको कैलकुलेट करने में लगाओ ना तो हो गया कल्याण। तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 कितना होता है? आगे वैल्यू वही पूछा था राइट द वैल्यू ऑफ दिस कितना आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स ऑफ माइनस 1। क्या होगा कैसे करेंगे? सॉल्यूशन पे आते हैं। टैन इनवर्स माइनस 1, अब हमें क्या पता है टैन पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है। तो माइनस 1 कब होगा? जब टैन माइनस पाई बाय 4 होगा, है ना? तो मैं यहां पे माइनस 1 की जगह पे क्या डाल सकता हूं? टैन इनवर्स ऑफ टैन माइनस पाई बाय 4 यह डाल सकता हूं।
अब अगर इसको सॉल्व करने जाए तो कितना आएगा? माइनस फाइव बाय फोर। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन कितना हो गया? माइनस फाइव बाय फोर। दो दो लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे ये आंसर लिखने से पहले, अब यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन जब आप एग्जाम में बोर्ड में लिखोगे तब ये मान लो ये क्वेश्चन पूछा है, एक एग्जांपल है, ये मान लो क्वेश्चन पूछा है और या इतना आपके करके छोड़ दिया, तो यहां पे आपको फुल मार्क नहीं मिलेंगे, इतना करोगे 0.5 मार्क मिलेगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो फुल मार्क कब मिलेगा? जब साइड में ये लिखोगे और एक चीज भी लिखोगे कि टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कब होता है? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। ये स्टेटमेंट भी आपको कॉपी में बोर्ड में साइड में सीन्स करके लिखना है, अगर नहीं लिखोगे 0.5 मार्क काट देगा। यार रीजन जरूरी है, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लिखो देंगे ये चीज, कहीं पर भी सॉल्व करने पूछे, ठीक है, लिख लो। चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बताया? राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? चलो सॉल्यूशन बताते हैं, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू। अब साइन का कौन सा वैल्यू रूट थ्री बाय टू होता है? पाई बाय थ्री, पाई बाय पाई बाय थ्री, साइन सिक्सटी। हाँ, साइन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री बाय टू होता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस साइन पाई बाय थ्री इज इक्वल टू क्या? रूट थ्री बाय टू, तो साइन माइनस पाई बाय थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? मतलब हाँ, माइनस पाई बाय थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस रूट थ्री बाय टू ये होगा। तो माइनस रूट थ्री बाय टू की जगह मैं क्या डाल सकता हूं? साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय थ्री। अब इसका रेंज क्या है? साइन का रेंज क्या होता है? मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है? जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। तो क्या माइनस पाई बाय थ्री इसके इस रेंज के अंदर आ रहा है? आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस पाई बाय थ्री। तो वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू कितना हो गया? माइनस पाई बाय थ्री। देख लो, अब मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या पूछा है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स? ये भी ऐसे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इस चीज को आंसर करने के लिए आपको टेबल दिमाग में होना चाहिए। रेंज तो चलो पता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ये, लेकिन इसका डोमेन कहां से कहां लाया करेगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले? तो सिंपल स्ट्रेट एक लाइन लिखना है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस वन से वन। अब इधर मैंने साइन इनवर्स एक्स का एग्जाम्पल लिया हूं, एग्जाम में 6 फंक्शन है, कुछ भी पूछ सकता है, बस एक ही लाइन पूरा स्टेटमेंट लिखना है, बस ऐसा नहीं कि ये लाइन छोड़ दो बस इतना लिख लो, नहीं देगा मतलब। एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है, तो एक स्टेटमेंट लिखने में ज्यादा टाइम नहीं जाता, तो एक लाइन लिख लेना और उसका आंसर लिखना। तो इसके लिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में क्या टेबल होना जरूरी है। अगर टेबल दिमाग में नहीं है तो नहीं कर पाओगे, समझे? आपको क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछ सकता है? पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द राइट द डोमेन, या फाइंड द रेंज। जैसे मैं रेंज का एक क्वेश्चन करवाता हूं, चलो तो डोमेन में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन, ये पूछा है। अब हमें अगर सिर्फ साइन
पूछता तब तो हमने स्ट्रेट लाइन में एक स्टेटमेंट में आंसर लिख दिए, लेकिन अगर फंक्शन हमें ऐसा गिवन हो तब क्या करें? तब हमें क्या पता है साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, वी नो दैट, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में आ जाना, वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होना, क्या होता है माइनस वन से लेके वन के बीच में, ये होता है। तो हमें गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन, ये गिवन है। अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, एक्स के जगह पे क्या होना, क्या है रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन। अब इसको समझना, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब वही होता है ना। तो मतलब देयरफॉर जो ये वाला वैल्यू है, मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन का वैल्यू कहां से कहां लाई करना चाहिए, माइनस वन से लेके वन तक, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू भी देना हो क्या होना चाहिए, इसका जो डोमेन है साइन इनवर्स एक्स माइनस वन, इसका डोमेन माइनस वन से वन के बीच में लाई करना चाहिए। चलो अब यहां पर बिकॉज रूट ओवर है, मुझे रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, और अगर स्क्वायर कर दूंगा तो नेगेटिव हैंड नेगेटिव वाला साइड बचेगा नहीं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब इसका जो वैल्यू होगा, मतलब एक्स माइनस वन में जो वैल्यू होगा वो किन के बीच में लाई करना चाहिए, जीरो से लेकर वन के बीच में लाई करना चाहिए ना, क्योंकि नॉन नेगेटिव हो जाएगा। बात को समझ रहे क्या बोला मैंने, जब मैं इसको इसका रेंज या इसका जो डोमेन है वो क्या आ रहा है माइनस वन से वन, लेकिन मुझे यहां से रूट ओवर हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब एक्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो अगर नहीं हो सकता तो मतलब इसका एक्स माइनस वन का वैल्यू कहां से कहां लाया करना चाहिए, जीरो से लेके वन के बीच में लाया करना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू इधर से अगर मैं माइनस वन हटाऊं तो क्या करना होगा, प्लस वन, तो जीरो प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन प्लस वन, तो मतलब क्या होना होगा, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू। तो इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का, देयरफॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, कहां से कहां, वन से लेके टू के बीच में होगा। अब चलो यहां पे अगर सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पे रूट ओवर नहीं होता, अगर रूट ओवर नहीं होता तो क्या होता, अगर रूट ओवर नहीं होता तो x माइनस वन किसके बीच में लाई करते, माइनस वन से लेके वन के बीच में, जहां से वन हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस वन करना होगा, तो माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस वन, ये और है, मतलब जब क्वेश्चन या जब एफ एक्स, ये रूट ओवर के लिए है, ये जब एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स सिर्फ एक्स माइनस वन, मैं उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है, एक्स प्लस वन इधर वन प्लस वन, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, जीरो एक्स, और ये हो जाएगा टू। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या, कहां से कहां होगा, जीरो से लेके टू तक। तो अगर कोई भी फंक्शन मिले, जैसे अब देखो मैं क्यों बोला डोमेन दिमाग में रहना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको फॉर्म हो सकते हैं, मैंने यहां पर साइन इनवर्स का दिया, हो सकता है आपको कॉस दे दे, टैन दे दे, सेक दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो अगर डोमेन दिमाग में हो तो ऐसे इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, समझ में आया पक्का। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अब तुमने लग रहा होगा सर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में शायद प्रॉपर्टीज भी यूज होता होगा, तो सर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे बिना प्रॉपर्टी यूज किए हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बिना प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी यूज किए सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या करें, एलएचएस में हमें क्या किया मैंने, एलएचएस में टैन इनवर्स 1 + x का रूट ओवर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 + x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 - x ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए याद करो, जब मैं कैलकुलस पढ़ा रहा था, जब कैलकुलस पढ़ा रहा था या फिर अगर छोटे क्लासेस में भी हम जब सॉल्व कर रहे थे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो मैंने बोला था x के जगह पे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे। अगर 11 क्लास का भी याद नहीं आ रहा तो कैलकुलस जब हम सॉल्व कर रहे थे कैलकुलस में बताया था हमको सब्स्टिट्यूशन करते थे ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो x के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना x इक्वल टू कॉस पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अगर ये पुट किए तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा आपका कितना हो जाएगा, कॉस इन 1/2 कॉस इनवर्स x होगा या नहीं होगा। अब इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 + cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 + cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 - cos 2 थीटा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा का 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 2 थीटा है ना, और 1 - cos 2 थीटा का 2 sin 2 थीटा। पर कैलकुलस में इतना क्वेश्चन करवाया हूं इसके बेसिस पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ, रूट ओवर मतलब रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। ये होगा या नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा,
तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा टैन इनवर्स इनटू टैन पाई बाय फोर माइनस थीटा, ये लिख सकता हूं या ये लिख सकता हूं, अब यहां पे टैन इनवर्स और टैन कब हटेगा जब ये वाला पाई बाय फोर माइनस थीटा कहां से कहां हो माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक। अब मैं कोई भी वैल्यू ले लू थीटा का, मैं थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लू, मैं अगर पाई बाय फोर से माइनस करता हूं तो वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ही लाया करेगा। एग्जाम्पल ले लो पाई का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू अगर मैं पाई बाय ट्वेल्व लेता हूं या टू पाई भी लेता हूं, टू पाई भी ले लो तो पाई बाय फोर माइनस टू पाई कितना हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस टू पाई कितना हो जाएगा माइनस सेवन पाई बाय फोर, और माइनस सेवन पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में लाया करता है। सेवन पाई बाय फोर का मतलब क्या होता है और सॉल्व करोगे तो वन पॉइंट समथिंग, तो माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में लाया करता है, करता है ना। तो इस मैं थीटा का कोई भी वैल्यू ले लू, ये वाला पार्ट माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में लाया करेगा हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस थीटा, ये बन जाएगा बनेगा या नहीं बनेगा बनेगा। अब इससे पहले अगर हम इधर थोड़ा आए थीटा का वैल्यू कितना निकला था, तो यहां पे मैं क्या डाल सकता हूं थीटा की जगह पे 1 बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, और वही चीज आरएचएस में था विच इज इक्वल टू आरएचएस, तो हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना था। या अगर वन मार्कर या टू मार्कर क्वेश्चन में आए तो ऐसे क्वेश्चन भी आप या पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज हुआ, कहीं पे भी प्रॉपर्टी यूज हुआ नहीं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ जो छोटे क्लासेस में पढ़े, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चार मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। हो सकता है आपको वन वन मार्क के कुछ क्वेश्चन पूछे, या फिर हो सकता है आपको डायरेक्ट फोर मार्क का ये क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन किसी को पता नहीं है कि चैप्टर वन और चैप्टर टू में कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन कब आ रहा है, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ मिला के दस मार्क या आठ मार्क के क्वेश्चन आएंगे वो श्योर, तो हो सकता है इसमें से चार मार्क के क्वेश्चन या तीन मार्क के क्वेश्चन भी बना के डाल सकते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में होना जरूरी है, और मुझे जहां तक मुझे भरोसा है मैंने आपको कैलकुलस में इतना ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया था, इतने फॉर्मूले बता दिए थे कि आप वहां से उठा के ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकोगे। और अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आई कांट हेल्प इट, मैं स्टार्टिंग ऑफ द सेशन जब से मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू किया हूं तुम लोगों को बोला हूं कि मैथ्स प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ये लिख के ले लो। अभी भी टाइम है, बैठकर मैथ्स प्रैक्टिस करो, दिन में एटलीस्ट 50-100 क्वेश्चन लगाओ, ऐसा नहीं है। देखो ये आज 27 तारीख हो गया, फेब्रुवरी खत्म, मार्च अप्रैल 2 महीना बचा है, जी जान लगा दो अगर मैथ्स में पास होना है। और ऐसा नहीं है कि हाँ हम सर हम समझ गए तो हम कर लेंगे एग्जाम में, हाथ नहीं चलेगा, लिख के ले लो, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी पकड़ो पहला चीज,
जितना क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया हूँ रेगुलर क्लास कॉपी में तुम लोगों का, उतना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो ना, वही वही क्वेश्चन सिर्फ उतना काफी है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं फिर भी रिविजन क्लासेस में तो और क्वेश्चन करवा भी रहा हूं, इसको जाके घर में रफ कॉपी में प्रैक्टिस किया करो, लिखा करो। ऐसा नहीं यहाँ पे घर में कॉपी में लिख के, ट्यूशन में कॉपी में लिख के ले गए और वो कॉपी कचरे के डिब्बे में डाल दिया तो नहीं होगा मैथ्स। मेरा काम है तुम लोगों को मिरर दिखाना, मैं दिखा सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे घर पे तुम्हें करवा नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें खुद को करना है, नहीं करोगे रोगे लास्ट को। कौन से जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो ब्रेन में स्ट्राइक ही नहीं करेगा जब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस उसका रिवीजन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। होप आपको आज का रिवीजन क्लास या रिवीजन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड और रिविजन वीडियोज मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा और आप अपने पढ़ाई आराम से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक Thanks for watching the video.